अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना, पूरी वीडियो देखना हर आदमी। बताओ। मैं अब्दुल्ला कुरैशी बॉम्बे से आया हूँ। इनका नाम अब्दुल्ला कुरैशी है। और ये हकीम साहब अब्दुल्ला पठान साहब का हमने फेसबुक पर वीडियो देखा तो उसमें काफ़ी मरीज लोग बोल रहे थे कि हमको बहुत फ़ायदा हुआ, अच्छा हो गया। तो इसी को देखकर मैंने फ़ोन नंबर इनका हकीम साहब का ढूंढने का बहुत कोशिश किया, लेकिन नंबर ना मिला। उसकी वजह से हमने अपना नंबर फेसबुक पर डाल दिया। फेसबुक पर डालने के बाद ये हुआ कि हकीम साहब तो फ़ोन हमको किए नहीं, उनको तो वक्त ही नहीं है देखने के लिए। तो कोई और फ्रॉड ने नंबर हमारा देख लिया और वो फ्रॉड नंबर हमको फ़ोन किया कि मैं हकीम साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ, अब्दुल्ला पठान के यहाँ से। तो मैं बोला ठीक है भाई, हमको दवा भेज दो, मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में, वज़न घटाने के बाद भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ है, और डॉक्टर बोल रहे थे कि आप ऑपरेशन करो रीढ़ की। तो हमने कहा ऑपरेशन तो करेंगे नहीं। तो फिर बाद में ये हुआ कि उसका दवा जब मेरे पास आया, ये है उसका फ़ोटो, है ना, और ये ऐसे ऐसे आटा और शक्कर भेज दिया है मुझको। तो ऐसे दवा लिया और 3,500 रुपया हमने दे दिया उसको। तो फिर उसके बाद में मुझे शक लगा कि यह लगता है दवा तो फ़ायदा किया नहीं है और ये पठान साहब के इधर का दवा नहीं है। तो उसके बाद में मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उसमें वो लेडीज़ बात करती है बार बार, और इतनी निडर है कि हमने कहा कि अब मैं अब्दुल्ला पठान साहब के दवा खाने पर जाऊँगा तो आप मुझे मिलना। और मैं यहाँ पर आ गया दवा खाने पे। तो दवा खाने के बाहर से हमने फ़ोन किया उसको, तो वो फ़ोन उठाई और बोलती है कि मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम तो हो नहीं। तो मैंने कहा कहाँ हो तुम, सुई तो नहीं हो तुम, दिखो, देखो इधर। उसके बाद में पठान साहब के आदमी को हमने दे दिया फ़ोन कि ज़रा इससे बात करो। फिर वो पठान साहब के आदमी को भी बोल रही है कि मैं पठान साहब के यहाँ से, इस तरह से वो धांधलगिरी करने में एक्सपर्ट है, बहुत हाई है। हाँ, वो इतनी एक्सपर्ट है ना कि वो एक बार पठान साहब को भी झूठा बना देगी अगर मौका मिल जाएगा। हाँ, लड़के लड़कियाँ सब हैं, और वो एक बार आपको दवा बेचेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं आपने तो हमारे यहाँ से नहीं लिया, दूसरे से लिया, ताकि आप दोबारा फिर पैसा भेजो। बहुत सारे हैं। और उसने ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को ठगा होगा। तो मेरा कहना यही है, पठान साहब से रिक्वेस्ट है कि पठान साहब आप अपना नंबर जो है ना एक कागज पे ऐसे फेसबुक पर दिखा दिया। मैं बताता हूँ आज तुम्हें नंबर का क्या मामला है। यूट्यूब पे नंबर है डिस्क्रिप्शन में, ऐसे अगर मैं नंबर डालता हूँ तो बवाल में आ जाते हैं हमारे जो बंदे हैं जो फोन उठाते हैं मेरे, वो बवाल में आ जाते हैं, बेहद कॉल आती है उन पर, बेहद यानी कि अनगिनत। तो पठान साहब कॉल तो फॉलोइंग अच्छी है माशाल्लाह, कुछ लोग फैन के तौर पर फोन करते हैं। नहीं, ये कहता हूँ मैं कि कॉल तो बहुत सारे आ जाएंगे। इंडिया में फेमस क्या हुआ, आप तो सऊदी दुबई तक हमने पढ़ा है उसमें फेसबुक पे कि मरीज आपको बोलते हैं, तो कॉल तो आएंगे आपको। 10-15 आदमी रखो कॉल अटेंड करने वाले, 10-15 से भी ज़्यादा रखने पड़ेगा मेरे साथ। हाँ, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपके नाम पर ठगे जा रहे हैं ना। तो ये बेवकूफ़ी मत करो, मेरी वीडियो के कमेंट में नंबर मत डालो, मैं इतनी बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। फिर आदमी को आपका नंबर मिलेगा कैसे? मिलेगा यूट्यूब पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर नंबर है। उन नंबरों पर कितने व्यस्त जाएं, वो कितने बिजी जाएं, उन्हीं से कांटेक्ट करो। अब राजा कितने बिजी हो, राजा से ही तो कांटेक्ट होगा, या उस में कोई कहेगा मैं राजा का आदमी हूँ मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम। अब बाकी ये पठान साहब के यहाँ की दवा बहुत अच्छी है। मैं आया हूँ और मैंने दवा खाया 10 दिन, और 10 दिन में काफ़ी फ़र्क हुआ है। बाकी हमारे को कुरला में मैं रहता हूँ, वहाँ हबीब हॉस्पिटल है, वो हड्डी के डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन करेंगे रीढ़ की। अब वो रीढ़ की ऑपरेशन करेंगे ना, तो एक डॉक्टर ही हमको बताया, वो बाबा हॉस्पिटल में डॉक्टर था, उसने बोला कि आप ऑपरेशन मत कराओ नहीं तो वहीं बेड पर ही सो जाओगे। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया है इंशाल्लाह, लग रहा है वैसे इनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत। हाँ, भले यहाँ दवा थोड़ा महंगा है उसको इग्नोर करो, लेकिन हाँ महंगा मतलब ये तो सस्ता ही है। अभी 1.5 लाख हमको ऑपरेशन का बोला, और ये तो सस्ता ही है, वो तो शख्सियत नहीं था और ये तो शख्सियत है।
ये तो अच्छा हो जाएगा, अभी मेरे ख्याल से 15 दिन और खाऊंगा और बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बस इतना ही आप लोगों को कहना है कि फ्रॉड में मत फंसना। ये क्या बोलते हैं कि पठान साहब किसी को कॉल करते नहीं हैं, हम कॉल ये मत समझना कि पठान साहब के यहाँ से आपको कॉल आया है। भले आप अपना नंबर फेसबुक पर डाल भी देंगे तो भी आपको कॉल नहीं आएगा। मेरी वीडियो के कहीं भी डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट में नंबर मत डालो, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं भी नंबर डालोगे तो तुम्हें फ्रॉड कॉल करेंगे। एक नहीं जैसे आदमी परेशान रहता है तो नंबर डाल देता है, जैसे मैंने डाल दिया था। अब मैं बहुत बम्बई का रहने वाला हूँ, समझदार हूँ, सब कुछ है, लेकिन जब बीमारी होती है तो इंसान पागल हो जाता है। और काफी दिनों से मैं 10 साल से झेल रहा था। मेरे पास आ जाओ ना तो कुंदर। हाँ, ये KUNDAR। देखो देखो मैं बताता हूँ, कुंदर की मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, कुंदर की एक मतलब छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर आप किसको भी मुरादाबाद में भी पूछेंगे तो बता देंगे पठान साहब को। और आप ट्रेन पकड़कर चले आओ, कैसा भी चले आओ, यहाँ पर आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। एक बार आ जाओ उसके बाद दवा आपको भेज भी देंगे। बिल्कुल, कुंदर की जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। कुंदर की में कहीं भी आ जाओ, बस कुंदर की में पेट्रोल पंप के पास, जे एलेवेंटर कॉलेज के पास, बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह फिट हो रहे हैं सारे बंदे। तो थोड़ा सा ऐसा घुमा दो ना, इधर पब्लिक कितनी दवा लेने वाली है, कितना भीड़ रहता है, सब लोगों की सूरत आ जाएगी ना। कुछ आदमी वीडियो बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, तो मैं सबका। अब पठान साहब का जान देख लो, नहीं है 16 का बाइसेप, सलमान खान और सुहेल खान सब फेल। नहीं वो फेल के तो जाएंगे, वो तो भाई हाई फाई। बस मैं ये कहना चाहूंगा, इस्तेमाल करो दिमाग का ओनली। और जरा बोल दो लोगों को, आपके चाहने वालों को, कि जिम में ऐसा एक्सरसाइज नहीं, कुश्ती लड़ो, कुश्ती में जान है। और जिम में तो पानी पी पी के, रुक रुक के, गाना सुन सुन के, उसको उसमें स्टेमिना थोड़ी बनता है। अभी आप थोड़ा सा तक ढकाल देंगे ना तो लंबे हो जाएंगे। गाना नहीं सुनता हूँ मैं कभी भी। तो मैं कुश्ती लड़ता हूँ, जिसने तो मैं जानता हूँ कुश्ती में जान कितनी। सही बात है, कुश्ती में बहुत हाई फाई है मामला भाई। कुश्ती लड़ते थे, लड़ते हैं अभी। अरे वही तो, रीढ़ पे चोट लगा, चोट लगा यहाँ अखाड़े में और दर्द हो रहा है यहाँ पर, उसी का दवा है। इधर पत्थर लग गया था। अच्छा एक बात हो, जिम में जाके जिसने गाने सुने या ये सोचा कौन आया कौन ना आया या किस कौन क्या कर रहा है, कौन सा गाना बज रहा है, गर्मी है, ठंड है, इस चीज़ के बारे में जो सोचेगा वो कभी बॉडी नहीं। जिम को छोड़ के मैं तो कहता हूँ कि रेसलिंग और कुश्ती नंबर वन। बिल्कुल, कुछ भी करो मगर दिल से करो, जो करो दिल से करो। वीडियो लंबी हो जाएगी, बस ध्यान रखो कमेंट में नंबर मत डालो, अपने नंबर कमेंट में मत डालो। मेरी डिस्क्रिप्शन, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है नंबर, उन पर कॉन्टेक्ट करो। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।